अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फैमिली। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से अफ्तार के लिए स्नैक बनाने जा रही हूँ। आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। नई स्टाइल की रेसिपी है ये, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ले ली थी ये वाली मैक्रोनी, ठीक है। ये आपको कहीं भी कोई से भी स्टोर से मिल जाती है आराम से। इसको मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था, ये वाली मैक्रोनी ली थी मैंने, ठीक है। इसको मैंने नमक ऑयल डाल के बॉईल कर लिया था, तो इसको मैंने ऐसे ही स्टिक्स में लगा दिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास है पिज़्ज़ा सॉस, इसको हम ऐसे ब्रश से इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरीके से लगाना है कि मज़ेदार सी चटपटी सी बने। आगे पीछे सब जगह से लगा देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अली भाई, मैं आपकी फरमाइश पे, आप मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, आपके बहुत फरमाइश पे मैं आपको शलजम का अचार बना के भेज रही हूँ, यानी भेजने की कोशिश करूँगी। आज भी मैं शलजम ढूँढ रही थी, क्योंकि शलजम का मौसम सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। और जो है ना, क्या बोलते हैं इसका, ये जो होता है ना सर्दियों में भी है ना, फुल सर्दी में जो है ना सिर्फ एक हफ्ते चलता है ये अचार, और इसको हम फ्रिज में नहीं रखते। और अब तो गर्मी है तो ये आपका चलेगा नहीं, मगर मेरी पूरी कोशिश होगी। आपने मुझसे फरमाइश करी है बहुत मोहब्बत से, बहुत उससे मैं खुलूस से, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इंशाल्लाह अचार बना के ज़रूर भिजवाऊँ। और बस आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तरीके से खूब मैंने अच्छी तरीके से इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। अब इस पे हम लोग लगाएंगे कुटी हुई मिर्चें। देखें, कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको जितनी अच्छी लगे जितनी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे ओरिगैनो, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसका ऐसा टेस्ट आएगा कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऐसा टेस्ट आएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई करेगा और हमें बताएगा कैसे बने, ठीक है। अब इस पे हम डाल देंगे ये चेडर और मोज़रेला चीज़। देखें इस तरीके से डाल देंगे ढेर सारी। देखें इस तरीके से इसमें डाल देंगे, खूब मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल दी है चीज़। अब इसके ऊपर फिर डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। और अब इसके ऊपर रख देंगे हम ऑलिव्स। देखें इससे बहुत मज़ेदार से लगते हैं। ये देखें कितने लग रहे हैं, कितने मज़ेदार चटपटे से, ऐसे ही ये सब डाल देंगे। फिर हम इसको बेक करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसको बेक। चलो ये देखें सब हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। मैंने पैन ले लिया था, पैन में मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस करें। अब इसको आराम से इसमें रख देंगे, बस बिल्कुल चूल्हा हमने बिल्कुल लो करके रखना है, बस क्योंकि ये जो हमारे ये है पास्ता है वो तो बॉईल हुआ हुआ ही यानी कि पका हुआ है, बस हमने इसकी चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको मैं इसको पका लेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। अब इसके ऊपर इसका कैप ढक देते हैं। ये बन के रेडी हुए हैं, देखें बहुत मज़ेदार बने। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप हमें कमेंट में बताएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।